हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्भुत राजनीति। बिहार इलेक्शंस को देखते हुए मैंने तैयार की है एक स्पेशल सीरीज जो कि बिहार इलेक्शंस को पूरी तरह कवर करेगी। तो आइए इस सीरीज के पहले वीडियो में बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की और आपको आसान शब्दों में समझाते हैं जेडीयू के बारे में। जनता दल यूनाइटेड या कहे जेडीयू भारत की एक रीजनल पार्टी है जिसका प्रभाव बिहार और झारखंड में अधिक है और जेडीयू नॉर्थ ईस्ट की एक इम्पोर्टेंट पार्टी के रूप में भी जानी जाती है। जनता दल यूनाइटेड एक लेफ्ट सेंटर पार्टी है और जो देश में सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और ह्यूमनिज्म की सोच और एजेंडे के साथ भारतीय राजनीति में आई थी। जेडीयू का चुनाव चिन्ह तीर है जो कि सफेद और हरे रंग के झंडे के बीच में लगाया गया है। जेडीयू के फाउंडर शरद यादव थे। जेडीयू की जड़ें जनता पार्टी से जुड़ी है जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी 1999 में। जनता दल में तब फूट पड़ी जब 1999 में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जेएच पटेल ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गवर्नमेंट को समर्थन दे दिया था और तभी जनता दल दो भागों में विभाजित हुआ। एक भाग जनता दल सेक्युलर बना और दूसरा भाग जनता दल यूनाइटेड बना। जेडीएस का नेतृत्व एचडी देवेगौड़ा कर रहे थे और जनता दल का शरद यादव। सन 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी और लोक शक्ति पार्टी का विलय जनता दल में हुआ और वहीं से निर्माण हुआ जनता दल यूनाइटेड का। जेडीयू बिहार की एक महत्वपूर्ण पार्टी है। अभी बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार का शासन है। ऐसे तो 1990 से ही पार्टी के कई नेता जनता पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़ रहे थे, पर 2005 में जनता दल पहली बार चुनाव में उतरा और उनका सामना था कभी जनता दल में उनके साथी और अब उनके चिर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव से। बिहार में पिछले 15 साल से राजद की सरकार थी पर इस चुनाव में राजद के खिलाफ लहर थी। इस चुनाव के मुख्य मुद्दे विकास और सुशासन थे। फरवरी 2005 में हुए चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सभी दलों ने काफी जोड़ तोड़ किया परंतु कोई नतीजा नहीं निकला और अक्टूबर में फिर चुनाव कराए गए जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला और 15 साल के राजद के शासनकाल का अंत हुआ। 5 साल बाद 2010 में फिर बिहार में चुनावी शंखनाद हुआ। इस बार परीक्षा थी नीतीश कुमार की क्योंकि 2004 में बिहार की जनता ने विकास और सुशासन के लिए उन्हें चुना था और वे 5 साल में बिहार की जनता का कितना विश्वास जीत पाए इसका पता इस विधानसभा चुनाव में चलना था। 2010 के विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी सफलता बने। बिहार की 243 में से 206 सीट हासिल करके जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। उनके चिर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव की पार्टी को मात्र 22 सीट के साथ ही संतोष करना पड़ा और कांग्रेस जो कि इस चुनाव में राहुल गांधी के नाम पर चुनाव में अकेले उतरी थी उसका हाल तो बहुत ही निराशाजनक था और वे सिर्फ 4 विधानसभा क्षेत्र ही भेज सके। इस चुनाव में नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास पर जनता ने विश्वास जताया और उन्हें फिर सत्ता की चाबी दी। इस चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद अल्पसंख्यक वोट हासिल किए और बीजेपी के बड़े नेता जैसे नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में किनारे रखा। अब बारी थी 2015 के विधानसभा चुनाव की जो कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने वाले थे। 1990 से चिर प्रतिद्वंदी रहे लालू और नीतीश पहली बार साथ आने को तैयार थे और साथ ही 25 साल का बीजेपी और जेडीयू गठबंधन भी टूट चुका था। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किए जाने से खफा नीतीश कुमार ने 2015 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के बिना लड़ने की घोषणा की और इस तरह तैयार हुए बिहार की राजनीति के नए समीकरण। देश की राजनीति में महागठबंधन ने आकार लिया और ये बिहार में पहली बार चुनावी रण में उतरा जिसमें राजनीति के दो अलग अलग धुर
लालू और नीतीश साथ आए। बिहार में विकास पुरुष और सुशासन बाबू का तमंगा हासिल कर चुके नीतीश कुमार तैयार थे अपनी चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल की हैट्रिक लगाने के लिए। और वहीं एनडीए, जिसका नेतृत्व इस बार बीजेपी कर रही थी, वे गठबंधन धर्म और मोदी लहर से हवा को अपनी तरफ मोड़ना चाहती थी, पर इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति में आज नीतीश कुमार से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। और इसी वजह से महागठबंधन ने 178 सीट जीतकर बिहार का ताज अपने नाम किया और बीजेपी को मात्र 58 सीट के साथ संतोष करना पड़ा। इस चुनाव ने सभी जाति समीकरणों को तोड़ दिया और नीतीश कुमार लगातार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। जहां 2015 में महागठबंधन के साथ जाकर जेडीयू ने जीत हासिल की, पर यह जीत ज्यादा दिन नहीं चल पाई क्योंकि अपनी छवि साफ सुथरे नेता की बनाने वाले नीतीश कुमार लालू यादव के चारा घोटाले और उन पर कस रहे सीबीआई के शिकंजे से ज्यादा दिन खुद को बचा नहीं पाए। लगभग 2 साल बाद ही महागठबंधन में फूट पड़ी और नीतीश ने खुद को महागठबंधन से अलग करने का फैसला किया और अपने 17 साल के साथी बीजेपी के साथ आने का फैसला किया। एक बार फिर 2017 में एनडीए की सरकार बिहार के राज सिंहासन पर काबिज हुई और अभी बिहार में नीतीश के नेतृत्व वाली बीजेपी और जेडीयू सरकार चला रही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।